तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। तो गाइस, तो आज हम लाए चंद्र लेखा स्टोरी टाइम पार्ट 9। तो गाइस, ये जो स्टोरी टाइम वीडियो ये होने वाली है लास्ट स्टोरी, मतलब कि लास्ट पार्ट चंद्र लेखा की। तो गाइस, आपने पिछले वीडियो में सुना था कि चंद्र लेखा हादसे के साथ गाँव में तोड़ फोड़ मचा देती है, पूरा गाँव को मारना शुरू कर देती है, बहुत लोगों को मार भी दिया था। तो गाइस, लास्ट में तांत्रिक बोलता है, लास्ट में जो तांत्रिक रहता है वो बोलता है चंद्रलेखा, तुम हम लोगों को मार के क्या करोगी, तुम्हारा बदला तो उन लोगों से है जिन लोगों ने तुम्हें मारा था, तो हमें क्यों मार रही हो। चंद्रलेखा कहती है कि तुम ही लोगों के जनरेशन ने मुझे मारा था, इसीलिए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम्हें मार दूंगी। फिर तांत्रिक को ये आता है, अगर चंद्रलेखा से बचना है तो मुझे कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा, ताकि मेरे गांव वाले भी जो और को बचे हैं वो भी बच जाएं। तो जो तांत्रिक रहता है वो दिमाग निकालता है कि चंद्रलेखा को वही लोगों को आत्मा से क्यों ना मिला दिया जाए। तो चंद्रलेखा आत्मा बोल मतलब चंद्रलेखा जो है मतलब तांत्रिक जो तांत्रिक चंद्रलेखा को बोलता है कि चंद्रलेखा सुनो, तू हम लोग को मत मारो, मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें वही लोगों जो जिन लोगों ने तुम्हें मारा था, जिस महाराज ने तुम्हें मारा था, मैं उन्हीं लोगों को तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तुम उन्हीं लोगों को मार दो। तो चंद्रलेखा कहती है, मुमकिन कैसे हो सकता है, वो सब तो मर चुके हैं। लेकिन तांत्रिक ने कहता है, मुझे एक ऐसी विद्या आती है जिससे वो मरे हुए लोगों को की आत्मा को वापस ला सकता है। तो चंद्रलेखा को ये बात अच्छी लगती है और वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें आधा घंटे की मोहलत देती हूँ, और नहीं हो पाया तो तुम सब मारे जाओगे। तो आधे घंटे की मोहलत में तांत्रिक को बहुत कुछ करना था, उन सारे लोगों की आत्मा को वापस लाना था जो चंद्रलेखा को मारे थे। फिर चंद्रलेखा क्या करती है, आधा घंटा बीत जाता है, वो तांत्रिक को बोलता है, अभी तक वो लोग ने यार तुम्हारी खैर नहीं। तो अचानक से तांत्रिक किसी बोतल से उन लोगों को वापस ले आता है, और फिर क्या, वो सारे लोग चंद्रलेखा के सामने आ जाते हैं। अब गाइस, यहाँ से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो गौर से सुनना। तो गाइस, यहाँ से क्या होता है कि चंद्रलेखा के को मारने वाले महावीर सिंह, क्या नाम था, जूनागढ़ के महाराज का नाम महावीर सिंह जी था कि राणा सिंह जी था, मुझे ज़रा कमेंट बताना, मैं भूल गया। कोई भी सिंह हो, जो भी महाराज ने मारा था, वो उसने बोल रहा मतलब उसने चंद्रलेखा को धमकी दी कि तुम तो मर चुकी थी और मैं भी मर चुका था, मैं यहाँ कैसे, मतलब कि वो लोग कन्फ्यूज हो गए, हो क्या रहा है। तो अचानक से चंद्रलेखा बोलती है, ये मेरी चाल थी, मैं तुम लोगों को अब नहीं छोड़ूंगी, बहुत साल बीत गए तुम लोगों से मैंने बदला नहीं लिया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को मार के अपनी मुक्ति पालूंगी और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये बात सुन के महाराज क्रोधित हो उठे और वो चंद्रलेखा की तरफ बढ़ने लगे, तो आत्मा वर्सेस आत्मा होने लगा यहाँ पे। तो जब आमने सामने वो लोग जा रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ कि चंद्रलेखा ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि वो एक ही झटके में सारे लोगों को मार दिए। और फिर क्या हुआ कि तांत्रिक ने कहा, चंद्रलेखा अब तुमने सब लोगों से बदला ले लिया है। चंद्रलेखा ने तांत्रिक को शुक्रिया कहा, चंद्रलेखा ने तांत्रिक को कहा कि आज तुम्हारी वजह से ही मैंने अपना बदला पूरा कर पाया है, तो थैंक यू कह दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रलेखा की आत्मा को शांति मिल गई, वहीं तांत्रिक बाबा ने उससे शांति दिलवा दी, उसे मुक्ति दिलवा दी, चंद्रलेखा की आत्मा गायब हो गई, और जितने भी टीम मेंबर्स थे फिल्म बनाने वाले वो सभी ठीक हो गए और अपने अपने घर चले गए। तो गाइस, ये थी चंद्रलेखा की सीरीज, और ये थी चंद्रलेखा की ऑल पार्ट्स, और ये थी चंद्रलेखा स्टोरी टाइम। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस सीरीज, यू लाइक ऑल द पार्ट्स ऑफ चंद्रलेखा स्टोरी टाइम, चंद्रलेखा, यू लाइक चंद्रलेखा आल्सो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।